बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो गाइज, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं इसे कितना जल्दी बना पा रहा हूँ और आप भी चाहे तो इस वीडियो को देख कर सीख कर बना सकते हैं। यहाँ पे गाइज मैंने खुद के नए ट्रिक्स एंड टिप्स यूज़ किए हैं जो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे लगे। देन प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि हम लोग इस वीडियो में 20,000 लाइक अचीव कर सके। इसलिए अभी लाइक करें गाइज। और अगर आप चाहते हैं ऐसा ही ढेर सारे वीडियोस में अपलोड करूँ क्लास 10 के, देन प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर ले। आपको बता दूं गाइज कि मैंने ऐसा ही ढेर सारे क्लास 10 के ट्यूटोरियल अपलोड किए हैं अपने चैनल में, सो प्लीज़ चेक करें। और मैंने हाल ही में ढेर सारे क्लास 10 के ट्यूटोरियल बनाए हैं, सो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। वो एकदम आपको स्टेप बाय स्टेप में मिलेगा जिससे आप देखकर आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश देन प्लीज़ चेक आउट आवर वेबसाइट fineartsguruji.com। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप आसानी से नेफ्रॉन का डायग्राम इजिली ड्रॉ कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ गाइज कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी, देन प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइज, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ऑलराइट गाइज, सो गाइज हम लोग यहाँ पे सबसे पहले 1 सेंटीमीटर एज अ रेडियस लेके 2 आर्क ड्रॉ करेंगे, वो भी इजिली। तो आप गाइज मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहे और मुझे पूरा भरोसा कि आप इसे बड़े आसानी से मेरे साथ बना सकते हैं। और गाइज अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया दैन प्लीज अभी स्टार्ट करें। देन गाइज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे डबल पेंसिल और इस तरह से प्रेस करेंगे एंड देन अपने थंब से उसे होल्ड करेंगे और देखेंगे यहाँ पे कि ये बराबर है या नहीं। देन गाइज हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर। मैं जानता हूँ गाइज ये थोड़ा सा आपको पहली बार अजीब लग रहा होगा, लेकिन मेरा भरोसा कीजिए गाइज अगर आप इसे एक बार प्रैक्टिस करके मेरे साथ बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना इजी स्टेप्स है जिससे आप आसानी से नेफ्रॉन बना सकते हैं। और एक बात बता दूं गाइज कि मैंने इस वीडियो को पहले भी इसी स्टेप से अपलोड किया है, सो उसमें 10,000 लाइक्स है, इसीलिए मैं इस वीडियो का टारगेट 20,000 लाइक रखा हूँ। सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें 20,000 लाइक अचीव करने में, इसीलिए गाइज अभी लाइक करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। अब गाइज हम लोग फिर से अपने पेंसिल को थोड़ा सा प्रेस करेंगे, आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ किस तरह से, देख सकते हैं आप, थोड़ा सा अब कम कर लेंगे हम लोग उसे एंड देन हम लोग यहाँ पे फिर से इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। इससे गाइज एक पैरेलल लाइन ड्रॉ होता है जिससे हम आसानी से कोई भी डायग्राम बना सकते हैं जिसमें लाइंस हो। इसके बाद गाइज हम लोग फिर से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ले जाते हुए हम लोग उसे नीचे की ओर छोड़ देंगे। देन हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे अपना पेंसिल, वॉट एवर यू हैव दैट मैकेनिकल पेंसिल और HB, यू शुड हैव टू यूज इट हियर एंड इस तरह से हम लोग इस स्ट्रक्चर को बना लेंगे। फिर हम लोग ऊपर में भी ऐसा ही ड्रॉ करेंगे गाइज। और मैं बता दूं गाइज कि मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा भी फास्ट नहीं किया क्योंकि मैं चाहता हूँ आप भी मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप बनाएं। सो अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है गाइज तो अभी स्टार्ट करें क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना होगा तभी आप एग्ज़ाम में बना सकते हैं। सो अब गाइज हम लोग इस रेनल आर्टरी को ड्रॉ करके कम्प्लीट कर लेंगे। अब गाइज हम लोग यहाँ पे ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन को कंप्लीट करेंगे, सो उसके लिए गाइज हम लोग दोनों साइड से इस लाइन को ड्रॉ करेंगे एंड देन इसे नीचे की ओर यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। सेम गाइज हम लोगों को दूसरे साइड से भी वैसा ही करना, यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद गाइज अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। सो उसके लिए गाइज हम लोगों को इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और इसके अंदर जो होता है उसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस। सो उसके लिए इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेंगे और इसे जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। देन अब गाइज हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे इरेजर और इरेज कर लेंगे जहाँ पे ये ज्वाइन कर रहा है, मतलब दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसे हम लोग इरेज कर लेंगे जल्दी से। उसके बाद आप देखिएगा गाइज ये कितना आसानी से बनता है। देन अब गाइज हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे अपने पेंसिल को और सिंपली यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। हम लोगों को गाइज इसे इस तरह से ज्वाइन करना है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट ना करे। मैं जानता हूँ गाइज अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो आपको ये थोड़ा सा अनबन टाइप का लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसे मेरे साथ बनाएंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। अगर आपको गाइज इस वीडियो में कहीं भी दिक्कत हो रही है तो आप इस वीडियो को पॉज कर ले और मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप इसे बनाएं, इससे आपको रियली में बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा और आप इसे आसानी से बना सकते हैं। देन गाइज हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे इरेजर और इरेज करेंगे यहाँ पे रीनल आर्टरी के लिए जो इस ट्यूब के साइड से गया है। इसके बाद गाइज अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे अपना HP पेंसिल
जो भी है आपके पास, उसके बाद हम लोग इसे बना लेंगे और जल्दी से इस रेनल आर्टरी को कंप्लीट कर लेंगे। एंड गाइस, अब हम लोग यहाँ पे आएंगे रेनल वेंस में, जिसे बोला जाता है ब्रांच ऑफ रेनल वेंस। उसके लिए गाइस हम लोग को यहाँ पे वाइल आई के स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। सो सिंपली हम लोग इरेजर की मदद से इसे इरेज कर लेंगे इसी शेप में। इसके बाद गाइस अब हम लोग यहाँ पे उल्टा वाई ड्रॉ करेंगे। सो सिंपली हम लोग फिर से यहाँ पे इरेज कर लेंगे। देन गाइस यहाँ पे आर, अब गाइस हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे HB पेंसिल और सिंपली इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद गाइज अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे कलेक्टिंग डक्ट। उसके लिए गाइज सिंपली हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे अपना स्केल और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे गैप छोड़ते हुए। सेम गाइज हम लोग को दूसरे साइड भी वैसे ही ड्रॉ कर लेना है गैप छोड़ते हुए, एंड देन हम लोग इस कलेक्टिंग डक्ट को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद गैस अब हम लोग यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा दिया हुआ है उसे ड्रॉ करके कंप्लीट करेंगे। आप चाहे तो गैस इतना ही बना के एरोस ड्रॉ करके लेवल कर देंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो आप चाहे तो ये ड्रॉ कर सकते हैं और ये नहीं भी कर सकते हैं, इट्स ऑप्शनल फॉर यू। डायग्राम कंप्लीट करने के बाद गैस हम लोग यहाँ पे खेलेंगे एक छोटा सा गेम जिसमें आपका प्रैक्टिस भी होगा और अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरे बोलने के बाद बोल सकते हैं। इसके बाद गाइस अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे एरोज जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि गाइस हम लोग इसे छोड़ नहीं सकते, इट मे भी हो सकता है इससे अगर छोड़ने से हम लोगों का कुछ मार्क्स कट जाए। इसीलिए गाइस आप मेरे साथ इसे स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ कर ले जल्दी से। देन गाइस हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा इंटरेस्टिंग गेम खेलेंगे जिसमें आपको मेरे से पहले बोलना होगा नाम, जिससे आपका प्रैक्टिस भी होगा और अगर आपको नहीं आता तो आप मेरे बोलने के बाद बोल सकते हैं, जिससे आपका रिविजन भी हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ गाइस कि ये सारे स्टेप्स आपको अच्छे होंगे। सो चलते गाइस अब हम लोग नेक्स्ट लेवल में, अभी तक वीडियो खत्म नहीं हुआ है, सो चलिए चलते हैं। सबसे पहले गाइस हम लोग इसे इस तरह से ड्रॉ करके देन हम लोग यहाँ पे एरोज ड्रॉ कर लेंगे जिसमें हम लोग लिखेंगे नेम। देन गाइस सबसे पहले जल्दी से बताओ, लेट मी नो फर्स्ट वन नेम। सो गाइस यहाँ पे है ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी। देन नेक्स्ट वन गाइस जल्दी से बताओ, सो दिस वन इज रेनल आर्टरी, जिसको बोला जाता है वृक्क सिरा का शाखा। इसके बाद गाइस जल्दी से बताओ ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी के बाद में कौन सा है, सो दिस वन इज बोमेंस कैप्सूल। देन गाइस इसके बाद जल्दी से बताओ कौन सा है, सो दिस वन इज ग्लोमेरुलस। ओके देन नेक्स्ट वन गाइस जल्दी से बताओ, सो दिस वन इज ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। सो लेट मी नो व्हाट नेक्स्ट, सो दिस वन इज कलेक्टिंग डक्ट, संग्राहक वाहिनी। के बाद गाइस जल्दी से बताओ लास्ट वन, सो दिस वन इज ब्रांच ऑफ रेनल वेन, जिसको बोला जाता है वृक्क धमनी। आई होप गाइस इस गेम में आपको मजा आया होगा, देन प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सो मैं आशा करता हूं गाइस कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, देन प्लीज जल्दी से लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें अपने व्यूज कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप चाहते हैं ऐसा ढेर सारे वीडियोस आपसे छूटे ना, देन प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर ले। Best of luck for your examination guys. See you soon. Thanks for watching.